अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक बात बताओ ऑस्ट्रेलिया वालों, हम तो जिम्बाब्वे से हारने के बाद अभी तक इस वर्ल्ड कप में बने हुए हैं और तुम हमसे पहले ही बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 11 लंका प्लेयर्स मैदान में उतरे, लेकिन खेला सिर्फ नंबर वन प्लेयर ने। निशांका ने एक उमदा इनिंग खेली लेकिन किसी ने साथ ना दिया। हमारा एशिया कप में बुरी तरह बैंड बजाने वाले राजा पक्षा और असारंगा भी इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ना कर पाए। एक कम टारगेट चेस करने में इंग्लैंड ओपनर्स ने बढ़िया खेल दिखाया। असारंगा इंग्लैंड के सेमीफाइनल के रास्ते में आए लेकिन बेन स्टोक्स ने इस रुकावट को हटा दिया और इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। कल सुबह 5 बजे नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच होगा। हमारा पूरा साथ नेदरलैंड्स के साथ होगा, जबकि हम दुआ करेंगे कि बारिश भी अपना थोड़ा बहुत रंग दिखाए। उनके कोच जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बातें बनाई थी, उन्होंने भी अब कह दिया है कि हम पाकिस्तान के लिए अपसेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मैच पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का होगा, एक तरफ ईस्ट तो एक तरफ वेस्ट। अरे देवा, तीसरा मैच इंडिया जिम्बाब्वे का होगा। जिम्बाब्वे भाइयों के साथ हमारा पूरा सपोर्ट होगा और हम दुआ करेंगे कि वो इस वर्ल्ड कप का दूसरा अपसेट कर दें। एक बहुत ही मसरूफ संडे हमारा मुंतजर है, लेकिन हम दुआ करेंगे कि पिछले संडे की तरह ना गुजरे। तीनों मैचेस पर आपको कड़क वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सकें।